चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट कौन सा टॉपिक, विच टॉपिक? 1D. 1D मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेक्शन मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन हमने कल स्टार्ट किया था. बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वहां पे हमने देखा था कि हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मतलब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे. मैकेनिक्स पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे. और इस मोशन को पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. एक मोशन के इफेक्ट्स, मोशन से क्या क्या होगा, और मोशन के इफेक्ट्स में हमें बेसिक तीन इफेक्ट डिस्कस करने हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आता है, जिनके बारे में कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था. और जो मतलब फिजिक्स की मैकेनिक्स की ब्रांच है जो मोशन के सिर्फ इफेक्ट्स को पढ़ती है उसको बोला गया था एज ए काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स के यहाँ पे हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन रहेगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दूसरा रहेगा मोशन इन ए प्लेन. तो मोशन इन ए प्लेन में जो भी कंसेप्ट आएगी वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर रहेगी जो पार्ट अपन यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन शुरू किया था. सबसे पहले हमने मोशन को डिफाइन किया था, क्या थी मोशन की डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम. फिर हमने पोजीशन को देखा था, पोजीशन मतलब क्या है, पॉइंट इन द स्पेस एट विच बॉडी एग्जिस्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. देन स्पेस एंड टाइम को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, एंड जब तक ये स्पेस एंड टाइम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड नहीं होता है हम मोशन के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते. विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, देन डिस्टेंस देखा, वेलोसिटी को देखा, स्पीड को देखा, एक्सेलरेशन को देखा, एंड इन तीनों को कंबाइन करने वाले जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उनके बारे में भी कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था. उसके ऊपर डीपीपी दी, डीपीपी का डाउट सेशन हो गया, एंड वी नो दैट लॉट्स ऑफ पीपल्स गॉट आउट ऑफ मार्क्स. बस उस रिदम को अब मेंटेन रखना है, एंड दोज आर गेटिंग लेस देन 150 मार्क्स. एज अर्ली एज पॉसिबल आपको 150 क्रॉस करने हैं. ठीक है, मतलब एक बार मार्क्स जिनको आ गए 180 तो उनको समझ में आता है कि ये पॉसिबल है, एंड बस एक बार पॉसिबल हो गया तो जिस मेथड से आपने प्रिपरेशन किया था वही मेथड से हर टॉपिक के लिए, हर डीपी के लिए, हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो हर एक टेस्ट में आपको प्रोबेबली आउट ऑफ मार्क्स आने वाली है, उसको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो कल जो बातें हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं. कुछ डाउट सेशन में डिस्कस किया है, कुछ लोगों को कम मार्क्स आ गए, इसका मतलब उनको थोड़ा सा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो कल जो बात अपन डिस्कस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, देन स्पीड, इनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कल है या फिर एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 40 मीटर. एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 40 मीटर जहां पे एन ओल्ड एज पर्सन, एक मातारा मानुष क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, एंड जॉगिंग करते टाइम उसको क्या लग रहा है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड लग रहे हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई तो है जो जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जिसकी रेडियस 40 मीटर है एंड उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड इतना टाइम लग रहा है. तो आपको बोला जाएगा कि आफ्टर 210 सेकंड इतना टाइम जब हो जाएगा तब वो जो पर्सन था, या फिर आपको बोला जाएगा फोर मिनट एंड 10 सेकंड, इतने टाइम इंटरवल के बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. चलो कमन फास्ट, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते कितने लोगों के आंसर आते. कमन फास्ट शुरू हो जाओ. जिनको आता है सॉल्व करो, जिनको नहीं समझ में आया है एकदम सिंपल है. देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि गिवन टाइम इंटरवल में वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है. अब हमें मालूम है कि एक मिनट जो होता है, एक मिनट में आते हैं 60 सेकंड. इसका मतलब वहां पे जो 40 मिनट दिए हैं तो 40 मिनट में 6 × 4 यानी ये आएंगे 240 सेकंड, एंड 240 सेकंड के साथ में आपको और 10 सेकंड दिए है, मतलब टोटल टाइम कितना दिया है आपको, 250 सेकंड इतना टाइम दिया है. तो आपको लॉजिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा
क्या क्या नहीं रिसर्च कल्पेश, ऑडियो स्क्रीन ऑडियो क्लियर है कि सबको? हाँ प्रणव, एक्सलेंट, वेरी गुड। कल्पेश, तुम्हारा इश्यू बेटा कवरेज का, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सी दियर, मुझे अगर क्लियर दिख रहा है इसका मतलब चल रहा है ठीक से। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है ना? नहीं, मेरे यस पास तो कवरेज फुल है बेटा। यू शुड चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। और किसी को प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन का? ओके सर, आठ कुल डालते हैं सर। ओके, अर्जुन देखो क्या नहीं सर, मेरे पास अगर क्लियर चल रहा है इसका मतलब ब्रॉडकास्ट तो क्लियरली हो रहा है। आपका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है बेटा। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, आंसर्स आ गए। चलो बोर्ड पे देखो। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो गिवन टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में वो पर्सन जो है वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो 20 सेकंड में एक चक्कर, 40 में दो, 60 में तीन, 1 मिनट में तीन चक्कर लगते हैं। 1 मिनट में तीन चक्कर, 4 मिनट में कितने होंगे? 12 चक्कर। इसका मतलब वहां पे क्या कंप्लीट हो रहा है? 12 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। एंड आगे फिर से 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड दिया है मतलब वहां पे हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आंसर आ जाएगा देखो। वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर करेक्ट है। गुड गुड गुड। चलो मैं एक बार क्रॉस चेक करा देता हूं। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखो रेडियस को रखते हैं, बाकी डेटा अभी जरूरत नहीं उसकी। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ए से निकला है ये जॉगिंग करने के लिए, एक चक्कर कंप्लीट किया, दो चक्कर कंप्लीट किए, तीन किए, सारे चक्कर कितने हो गए? 12। 12 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ पे आ रहा है, यानी 12 रिवॉल्यूशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। करेक्ट है, लेकिन बाद में वो फिर से आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब यहां से लेके यहाँ पे आके रुक रहा है, मतलब वो एट द गिवन मोमेंट बी पे है। तो मुझे इन दोनों के बिटवीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा इक्वल टू डायमीटर, यानी 2R। आर अगर आपको 40 मीटर दी थी तो इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा 40 × 2, इसका मतलब 80 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्टेंस की बात देखो, कंडीशन क्या है कि 12 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर होता है सरकमफेरेंस यानी 2πr, तो ये बनेगा 12 × 2πr प्लस आधा रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन मतलब 1πr, तो 12 × 2 मतलब 24, 24 + 1 यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 25 times of πr, यानी कि 25 × 40 × π को 3 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, इस तरह से ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 25 × 4 हंड्रेड, 1000 × 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर। ये 0.14 लेंगे तो थोड़ा सा आंसर, हाँ 3250 तक जाएगा। करेक्ट है, बाकी सारा पार्ट क्लियर है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। संस्कृति, आकांक्षा, डिस्प्लेसमेंट गलत हो गया था, अभी क्लियर है? ओके चलो। कल्पेश, गुड। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों को कैलकुलेट किया। नाउ वी विल प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में ज्यादातर मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस देंगे, हमें बस वही करना है डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में कितनी पाथ लेंथ कवर हुई थी, एंड डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट आपको स्टार मार्क करके पॉइंट मिलने वाला है कि इफ अ व्हीकल ट्रेवल्स ऑन ए रोड, ट्रेवल्स ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी वी वन फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड विथ वेलोसिटी वी टू फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी। ठीक है, मेरे साथ साइमल्टेनियसली इसको नोट डाउन करो कि बेसिकली आपको क्या दिया है कि कोई व्हीकल है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है, एंड ट्रैवल करते टाइम उसकी वेलोसिटी आधे डिस्टेंस के लिए वी वन है एंड रिमेनिंग आधे डिस्टेंस के लिए वी टू है, तो
तो उसकी हमें एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। प्रणव 12.5 क्या था ये? प्रणव सर तुम्ही 12 घेतलं होतं ना ते क्वेश्चन मध्ये? मागच्या क्वेश्चन मध्ये का? ओके हो सर। 4 मिनिट 10 सेकंड होते ना, 4 मिनिटाला 12 झाले होते, 10 सेकंडाचे। ठीक आहे, वेरी गुड। कल्पेश इसका आंसर कैसे दे दिया बेटा, लर्न है क्या? चलो कॉमन फास्ट, किस किस को समझ आई? ओके देखो एकदम सिंपल मेथड है, और जो मेथड अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बस आपको अभी दो पार्ट में मैं डिवाइड करके दे रहा हूं, ऐसे आपको तीन पार्ट में डिवाइड करके देंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके देंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करके देंगे, हर बार सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा यहाँ पे कि बेसिकली आपको दिया है इस तरह की कंडीशन, कोई भी एक व्हीकल है जो पॉइंट ए से निकल रही है और वो जा रही है पॉइंट बी पे। अब इनके बिटवीन का टोटल डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। अब ये दो के लिए दिया है, मैं बोल रहा हूं कि तीन पार्ट में चार पार्ट में वेलोसिटी डिवाइड करके देंगे, यू हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। नाउ हियर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जाते टाइम जो आधा डिस्टेंस होगा, आधा मतलब डी बाई टू, ये कवर हो रहा है विद स्पीड वी वन, जो रिमेनिंग आधा डिस्टेंस है यानी रिमेनिंग डी बाई टू है वो कवर हो रहा है बाय डिस्टेंस वी टू। हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, v एवरेज इज इक्वल्स टू, कल हमने देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो एकदम सिंपल प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैं पहले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड कैलकुलेट करूंगा। उन्होंने बोला है कि आधा डिस्टेंस v1 से कवर हो रहा है, मतलब v1 बनेगा d by 2 upon t1। टाइम मालूम नहीं इसलिए मैंने टाइम को नंबरिंग दे दी और उसको t1 बोल दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे t1 इज इक्वल्स टू मिलेगा d upon 2 upon v1, यानी d upon twice of v1। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो v2 इक्वल्स टू बनेगा d by 2 upon t2, यानी t2 is equals to बनेगा d upon twice of v2। तो यहाँ पे t1 and t2 दो टाइम मुझे मिले, मतलब आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लग रहा है t1, रिमेनिंग आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लग रहा है t2। उनकी स्पीड डिफरेंट है इसलिए टाइम सेम नहीं होगा, टाइम भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। कितना रहेगा दिया नहीं था इसलिए मैंने t1 and t2 इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी कन्वर्ट करके लिए है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है कि एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसमें मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है a से लेके b तक, मतलब ये बनेगा d। टोटल टाइम दिया नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, t1 plus t2 ले लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा d अपॉन t1 plus t2। अब ये t1 plus t2 करेंगे तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे दी है, कितना ये d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 plus d अपॉन ट्वाइस ऑफ v2। अब करो इसको सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में से dd कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन v1 plus 1 अपॉन v2, dd कैंसिल होके ये 1 अपॉन v1 plus 1 अपॉन v2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा v2 plus v1 2 सर, हाँ ये d by 2 कॉमन लिए थे, हाँ ये 2 इन ब्रैकेट v1 v2 एंड वन अपॉन है तो सिंप्लीफिकेशन में उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी फाइनल आंसर मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्टार मार्क करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। बाकी जो प्रोसेस है ये किसके लिए काम की है, अगर आपको ऐसे तीन पार्ट में वेलोसिटी डिवाइड करके देंगे, चार पार्ट में देंगे, पांच पार्ट में देंगे, तो उसके लिए, ठीक है। तो स्टार मार्क करके हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इफ अ व्हीकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी टू, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी कितनी रहेगी, ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, ठीक है। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब ये वेलोसिटी डिवाइड करके देंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये दो पार्ट के लिए था, अगर आपको ऐसे तीन पार्ट में वेलोसिटी डिवाइड करके दे रहे तो अभी आंसर आप बोलेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। कि आपको बोला है कि क्या हो रहा है कि व्हीकल ट्रैवल कर रही है ए से लेके बी पे,
और ट्रैवल करते टाइम वो जो है 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही विद स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है विद स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है विद स्पीड v3, देन इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस बेसिक स्टेप है, प्रोसीजर है, वो सेम रहेगी कि एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेके बी तक कितना रहेगा, d/3 + d/3 + d/3 यानी डी रहेगा। अब टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरवल का टाइम बनेगा t1, इस इंटरवल का टाइम बनेगा t2, इस इंटरवल का टाइम बनेगा t3, तो टोटल टाइम बनेगा t1 + t2 + t3, है क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे d एज इट इज रहेगा। t1 कैसे निकालेंगे, एक में निकाल लेता हूं, बाद में आप लेक्चर के बाद कैलकुलेट करो। v1 इक्वल्स टू होगा d/3 / t1, तो t1 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, d/3 × v1। ठीक है, वैसे t2 क्या बनेगा, d/3 v2, t3 क्या बनेगा, d/3 v3। इनकी वैल्यूज में यहाँ पे पुट करने वाला हूं, तो ये पुट करने के बाद बनेगा d/3 v1 + d/3 v2 + d/3 v3। क्लियर ही है ये फॉर्मूले से? yes, मैंने t1 t2 t3 कैलकुलेट किए थे। अब डिनोमिनेटर में से d/3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा d/3 इन ब्रैकेट 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। तो यहाँ पे dd कैंसिल होता है। अब ये एडिशन आपको आनी चाहिए, 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। अगर नहीं आती है तो सिंपल एक प्रोसीजर होती है, हमें सबके लिए पहले डिनोमिनेटर सेम लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ये सबके आंसर सारे करेक्ट है। डिनोमिनेटर कॉमन कितना बनेगा तीनों के लिए, v1 v2 v3। अब ये v1 v2 v3 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, v2 v3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे v1 v3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे v1 v2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये सिंप्लीफिकेशन है इसका जो अब डिनोमिनेटर में मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, यानी ये बनेगा 1/1/3 ब्रैकेट ऑफ v2 v3 + v1 v2 + v1 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 v3। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन के बाद न्यूमरेटर में आएगा, तो अगर ऐसे तीन पार्ट में वेलोसिटी डिवाइड करके देंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 + v2 v3 + v1 v3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, चेक इट। यस, वेरी गुड कल्पेश, थोड़ा सा करेक्शन था आपका। देविका एक बार चेक करो, 3 इधर उधर हो गया। ओके, मैं समझ सकता हूँ कमेंट में टाइप करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कंसेप्ट क्लियर है सबकी, हो गया ना क्लियर? yes, तो कितने भी, अभी मैंने 3 बोला है, ऐसे वो 7 भी डिवीजन देंगे, 10 भी देंगे, याद रखना है रूल क्या है, मैं लिख के देता हूं। रूल ये है, इफ डिस्टेंस इज गिवन देन गो फॉर टाइम। इसका मतलब क्या है, जब आपको ऐसे डिवाइड करके डिस्टेंस दे रहे हैं, हाफ हाफ करके, या फिर 1/3 1/3 1/3 करके, या फिर 1/3 1/3 2/3 करके, ऐसे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट मतलब डिवाइड करके देंगे तो हम टाइम के लिए जाएंगे। टाइम के लिए जाएंगे मतलब t1 t2 t3 वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो बाकी प्रोसीजर तो मतलब ये इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी प्रोसेस वो सेम रहेगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डी रहेगा, टोटल टाइम के लिए हमें t1 t2 t3 करने पड़ेंगे, कब, अगर आपको डिस्टेंस डिवाइड करके दिया है तो। ठीक है, तो अभी दो एग्जांपल मैंने दिए है, बाकी डीपीपी में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वहां पे ट्राई करो। नेक्स्ट पार्ट, अभी सेम टाइप का आपको पॉइंट्स मिलता है जहां पे डिस्टेंस की जगह पे टाइम डिवाइड करके देते हैं। मतलब आपको बोला जाता है कि इफ अ व्हीकल ट्रैवल्स ऑन ए रोड फॉर हाफ ऑफ टाइम विथ स्पीड v1 एंड फॉर remaining half of time
with speed v2. Then calculate or average velocity will be, ठीक है. अब डिफरेंस क्या है, देखो पहले आपको डिस्टेंस हाफ करके देते थे, अभी टाइम हाफ करके दिया है. यानी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए है ये बी है, यहां से यहां तक बॉडी गाड़ी ट्रेवल करने वाली है. अब डिस्टेंस हाफ करके दिया नहीं, तो डिस्टेंस कितना ये हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते, हमें बस टाइम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड संस्कृति, करेक्ट है. मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि ट्रेवल कर रही है आधे टाइम के लिए विद स्पीड वी वन, एंड ट्रेवल कर रही है रिमेनिंग आधे टाइम के लिए विद स्पीड वी टू. तो जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा था उसमें मैंने लिख के दिया था इफ डिस्टेंस इज गिवन देन गो फॉर टाइम, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इफ टाइम इज गिवन देन गो फॉर डिस्टेंस. इट मीन्स क्या कि मुझे अब v1 equals to distance दिया नहीं है तो उसको नंबरिंग देनी पड़ेगी, मतलब d1 बनेगा t by 2, v1 बनेगा d1 upon t by 2. तो यहां से मुझे d1 मिलेगा v1t upon 2, उसी तरह से मैं d2 कैलकुलेट करूंगा तो d2 बनेगा v2t upon 2. ये d1 एंड d2 अभी मुझे मिल गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इनके एडिशन करने वाला हूं, d1 plus d2. यहां तक क्लियर है? चलो तो अभी देखो हम क्या करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला हमने अब तक देखा है उसी को यूज करने वाले हैं. सो हियर एवरेज वेलोसिटी विल बिकम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, d1 प्लस d2, टोटल टाइम कितना है आधा प्लस आधा मतलब t. अब d1 d2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है d1, v1t upon 2 plus v2t upon 2 divided by 2. अब दोनों में से मैं क्या करूंगा, t by 2 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा v1 plus v2, एक मिनट, या 2 नहीं है ये t है, upon t. तो यहाँ पे tt कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल गई v1 plus v2 upon 2. ठीक है, ये कब यूज होगी, जब आपको टाइम आधा आधा करके देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आधा आधा करके देंगे तो पहले वाला फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, चलो देखो स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है? वेरी गुड कल्पेश, क्लियर है कि बाकी सब लोगों को? यस सर. ओके, तो यहाँ पे टाइम आधा करके देंगे तो क्या करना है, ये प्रोसेस हो गई तो ये दो पार्ट में देने दो, नहीं तो दस पार्ट में देने दो, हर बार क्या होगी हमारी प्रोसेस रिपीट रहेगी. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है कि कोई भी एक कार है ट्रैवल कर रही है फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन बैक टू पुणे, सॉरी बैक टू औरंगाबाद फ्रॉम पुणे विथ वेलोसिटी आपको दी है 40 किलोमीटर पर आवर, देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. चलो अब सबका आंसर सेम चाहिए, कमन फास्ट ट्राई करो. क्या डिवाइड करके दिया है पहले देखना है आपको, टाइम डिवाइड करके दिया है या डिस्टेंस? डिवाइड करके क्या दिया है, टाइम या डिस्टेंस? टाइम. डिस्टेंस. औरंगाबाद टू पुणे मतलब आधा, पुणे टू औरंगाबाद रिमेनिंग आधा, तो यहाँ पे टाइम की बात कहाँ से आ गई? मैंने ऐसे बोला कि आधे टाइम के लिए पुणे तक जा रहा है, आधे टाइम के लिए पुणे से वापस आ रहा है, टाइम सेम आधा आधा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है. वेरी गुड आकाश, बोल मत बस. संस्कृति 26.6, वेरी गुड. चलो बाकी लोग कम ऑन फास्ट करो बेटा, एकदम सिंपल है, अभी जो पढ़ाया मैंने वही है, सॉल्व करके देखना है तभी आएगा. चल तुषार आंसर बोल, ऋषभ, गौरी, अथर्व, अगर आपको डिस्टेंस डिवाइड करके दिया जाता है, देविका वेरी गुड, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? अगर डिस्टेंस डिवाइड करके दे रहे हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? 2v1 v2 by v1 plus v2. Very good. 2v1 v2 by v1 plus v2. By v1.
है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, उससे पहले कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि व्हीकल गाड़ी औरंगाबाद से निकली थी, औरंगाबाद पे आ गई, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, हो गया। आगे सॉल्व करना ही नहीं है, समझा? पढ़ लोगा? यस सर। ऐसे कंसेप्ट में घुमाते बेटा, ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन दी है, बेसिक वन बाय वन सारा कंसेप्चुअल पार्ट अप्लाई करके जाना है। वेलोसिटी तभी रहेगी अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी का कोई कंसर्न रहेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ रूल ये है कि डिस्टेंस डिवाइड करके देंगे तो क्या रहेगा फॉर्मूला, 2v1v2 upon v1 plus v2, एंड अगर टाइम डिवाइड करके देंगे तो सीधा v1 plus v2 upon v2 by 2। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। आगे रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल इज 1:3:5। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब आपको दिया गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है या फिर मोशन अलोंग प्लेन है, उसमें जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आएंगे या फिर जितने भी फॉर्मूले आएंगे, दे आर एप्लीकेबल ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या लिखा है मैंने, देखो, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, ये ऑलवेज क्या आता है, 1:3:5 आता है। कैसे, अब यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं कि आपको बोला है कि कोई भी एक व्हीकल है वो ट्रेवल कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इन फर्स्ट सेकंड, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन सेकंड सेकंड, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है थर्ड सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो वो रेशियो आता है ये ऑड नंबर का रेशियो, 1:3:5:7:9:11:13, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है सबको? अब कैसे मैं उसको प्रूव करके शो करता हूं आपको। हमें मालूम है जैसे ऐसे जब ऐसे पर्टिकुलर सेकंड दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, SN वाला, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SN = u + a/2 (n-1), ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और सारी केस में जो व्हीकल है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट थी, तो उस केस में मुझे अगर SN1 चाहिए फर्स्ट सेकंड में, तो ये बनेगी 0 + a/2 (n-1), 2 × 1, 2, 2 - 1, 1, ये आ गया a/2। अगर मैं सेकंड सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये बनेगा 0 + a/2 (2 × 2, 4, 4 - 1) 3। अगर मुझे ये थर्ड सेकंड के लिए चाहिए तो ये बनेगा 0 + a/2 (2 × 2, 3 × 2, 6, 6 - 1) 5, ठीक है ना। तो ये आ गया 3a/2, ये आ गया 5a/2। कलते का मी काय लिहिले बोर्ड वरते, हो सर। तो बस इनका रेशियो चाहिए तो इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a/2 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 कैंसिल, यानी रेशियो क्या मिला, 1:3:5। फिर ये हॉरिजॉन्टल रोड पे मोशन है या फिर फ्री फॉल हो रहा है तभी भी सेम केस होगी, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्री फॉल ऑल्सो। फ्री फॉल मतलब जब बॉडी को अपन पर्टिकुलर हाइट से छोड़ देंगे तो वो नीचे जाती है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है तो भी सेम केस रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, लिख लो इसको, लिख लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो, हो गया। कर लो का? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड अथर्व, चलो आगे। सेम पॉइंट आता है, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल फॉर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि एक मीटर को लगने वाला टाइम इज टू, रेशो है ना, इज टू, फिर दो मीटर को, सेकंड मीटर को लगने वाला टाइम, फिर थर्ड मीटर को लगने वाला टाइम, फिर फोर्थ मीटर को लगने वाला टाइम, फिर फिफ्थ मीटर को लगने वाला टाइम, इनका जो रेशो है वो इस तरह से आता है। बोलो संस्कृति, क्या होता है रेशो? प्रणव, 1:√2 - 1:2
रूट थ्री माइनस रूट टू इज टू, आगे क्या होगा बोलो? रूट फोर माइनस रूट फोर माइनस रूट फाइव माइनस रूट फोर इज टू, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना? ये किसका रेशियो समझ में आ रहा है ना बेटा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं विदाउट सॉल्विंग, ये अगर याद हो गए तो आपके आंसर आएंगे। 1D में मैं बोल देता हूं आपको, जो भी क्वेश्चन आएगा 1D का क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग, ये स्टार मार्क करके जितने पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा वो अगर समझ में आ गए तो वो अप्लाई करके एकदम कम टाइम में आंसर आता है। एक साइड से देखेंगे तो भयानक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है 1D, इसके एप्लीकेशन इतने ज्यादा है कि इसको मैं साल भर पढ़ा सकता हूं। एंड दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो सारे एप्लीकेशन कुछ लिमिटेड स्टार मार्क एंड कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए फिर एप्लीकेशन कोई भी आएगा तो उसको अपन तीन चार लेक्चर में जो कवर कर रहे हैं वो अप्लाई करके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसे आ गया, प्रूव करके दू या चल जाएगा, क्योंकि इतनी की इंपॉर्टेंट नहीं इसकी प्रोसेस। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लो इसको बाद में, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, कल एक डाउट सेशन में मिड पॉइंट वाला मैंने बोला था, वो भी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट अगर आपको पूछी जाती है एंड उस केस में आपको बोला जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, कोई भी व्हीकल की, कार की या फिर ट्रेन की, तो उसके सेंटर में मतलब पाथ में कोई भी एक पॉइंट था जिसको अपन मिड पॉइंट बोलते हैं, मिडवे बोलते हैं, वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v' इक्वल्स टू रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर अपॉन 2। जब भी आपको ये कीवर्ड दिखेगा कि मिड पॉइंट की या फिर मिडवे की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, हमें सिंपली पे क्या करना है, v' इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 करना है। u मतलब इनिशियल की, v मतलब फाइनल की वेलोसिटी, ठीक है? अभी उसी तरह से आपको अगर बोला जा रहा है कि इफ अ व्हीकल एक्सेलरेट्स with an acceleration alpha and then retards with retardation beta, क्या मतलब इसका कि वेहीकल रेस्ट से स्टार्ट हो गई, बाद में स्पीड अप करने के लिए वो एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में क्या हो गया, फिर से वो रिटार्ड हो रही है मतलब ब्रेक सप्लाई किए, ब्रेक सप्लाई किया है मतलब रिटार्ड हो रही है मतलब वो थोड़ी देर के बाद रुकने वाली है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ अ व्हीकल एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन अल्फा एंड देन रिटार्ड्स विद रिटार्डेशन बीटा एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी, और जो व्हीकल है वो टी इतने टाइम इंटरवल के लिए अगर मूव हो रही थी, उसकी जर्नी का टाइम था, तो उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगी, वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द व्हीकल, वो रहेगी अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, एंड उसके बाद में जो डिस्टेंस वहां पे कवर होगा मैक्सिमम, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, वो रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। यानी कि विदाउट सॉल्विंग ये फॉर्मूले हमें डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ठीक है? अल्फा बीटा एंड टाइम की जो वैल्यूज दी है इसमें पुट करो, एक स्टेप में यू विल गेट द आंसर। चलो देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, है क्लियर? तो यहाँ पे कुछ स्टार मार्क मैंने लिख के दिए हैं जिनके ऊपर आज के डीपीपी में क्वेश्चन आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन फिर टेस्ट में भी आएंगे, सो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये बेसिक पार्ट के क्वेश्चन हो गए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन के बिना आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं डीपीपी में भी और टेस्ट में भी वो रहेंगे बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन। और ये काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1D में भी काम में आएंगे, 2D में भी काम में आएंगे, एंड जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में भी सेम टाइप के फॉर्मूले अप्लाई करके हमें वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर आने वाले जो सम है वो हमें तीन तीन टॉपिक में हेल्प करने वाले हैं, जिसमें से दो तो मतलब कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। आज जो डीपीपी आएगी एक एक क्वेश्चन एकदम ध्यान देके आपको सॉल्व करना है। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ डेटा मालूम होना चाहिए, मतलब जो पहले से कर चुके हैं इस टॉपिक को,
उनको इश्यू नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वन डी को कर रहे हैं उनको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको अगर बोला है कि इफ अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वो आपको कुछ मतलब स्टोरी नहीं सुना रहे, इसका मतलब वो आपको बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, जीरो है। अगर आपको बोला जा रहा है कि इफ अ व्हीकल कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि इफ अ व्हीकल, देखो व्हीकल व्हीकल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए सिंपल है, सेम पार्ट एप्लीकेबल रहेगा। जब हम प्री फॉल कंसीडर करेंगे तो उसके लिए व्हीकल की जगह पे मैं बॉडी बोलूंगा, जब हॉरिजॉन्टल रोड पे ये मोशन स्टडी करते हैं तब उसको अपन व्हीकल के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ अ व्हीकल ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इट मींस, एक्सेलरेशन जीरो, वेरी गुड। इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन है व्हीकल का वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब व्हीकल ट्रेवल कर रही है विद जीरो एक्सेलरेशन ऑन द रोड, वो अगर केस आपको दिए देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, बोलो, अगर किसी व्हीकल का एक्सेलरेशन जीरो बोला है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, UT स्पीड इनटू टाइम, फिर VT ले लो या फिर UT ले लो। ठीक है ना, अभी लिख के दिया तो बहुत सिंपल लग रहा है, कुछ भी सर लिख के दे रहे, लेकिन जब क्वेश्चन आते बेटा तो यही पॉइंट्स जो है वो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इनको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, नेक्स्ट, if a vehicle starting from rest and moving with uniform acceleration, अगर ऐसे क्वेश्चन में बोला है then उस केस में displacement is given by, तो इस केस में displacement कैसे calculate करेंगे बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड, एस इक्वल्स टू बनेगा हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि इफ स्टार्टिंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में क्या करना है आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, UT plus half AT square. पूरा फॉर्मूला लेना है, UT plus half of AT square, ठीक है, ये फॉर्मूले हमें आगे यूज करने, क्लियर है, yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट काढा, मला हैंड रिटन नोट सेंड करा सगळे लेक्चर झाल्यावर आजचे, एकतर लेक्चर मध्येच तुम्ही हे सगळं राइट डाउन करणं कंपल्सरी आहे। अब आप लेक्चर कैसे देख रहे हो, कैसे ले रहे हो उसको, वी डोंट नो, ठीक है ना, वर्चुअल चल रहा है सब कुछ, तो आपकी ईमानदारी आपके पास है, जैसे रेगुलर लेक्चर चलता है वैसे इसको फॉलो करेंगे तो आपको आउटपुट ज्यादा आएगा। लेक्चर सुन रहे हैं, नोटबुक हाथ में, पेन हाथ में, जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको थोड़ा सा फटफट स्पीड से लिखो, बाद में थोड़ा अच्छे से उसको कॉपी करो, एंड लिखना अगर कुछ पॉसिबल नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर होने के बाद उसको नोट डाउन करो, लेकिन नोटबुक में ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर के फ्लो में जो आता है वो पहले मतलब ऐसे प्री प्लान नहीं होता है कि ये सांगाइचे तेज सांगाइचे, ठीक है, तो लेक्चर में जो कंटेंट आ रहा है वो हो सकता है कि किसी रेफरेंस बुक में भी नहीं है, हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो बस लेक्चर में मतलब बोर्ड के ऊपर आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। एंड होता क्या है, देखो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बाद में मिलते हैं, इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इफ रिक्वायर्ड कोई भी कंसेप्ट आपको समझाने के लिए हर बार मुझे अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, आपको लिंक मिल गई, आप उस लेक्चर को देख के क्लियर कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है, यही आपका माइंडसेट बन जाता है कि करूं काय गड़बड़ है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपल्याकडे कधी पण करता येईल, और उसकी वजह से आपका ये विद इन टाइम प्रिपेयर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब बेसिक कंडीशन यही है कि इतने सारे लोग एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जितना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वो भी कर रहे हैं, लेकिन सबके नंबर नहीं लगने वाले,
कुछ बेसिक मतलब जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% है, उसका रीजन ये है कि आप हर रोज हर मिनट पे हर एक लेक्चर में कितना एफर्ट्स ले रहे हैं और कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे आपकी जो कॉम्पिटिटर है मैक्सिमम नीट की बात करेंगे तो बायो में आपका आपका अपना पूरा 80% वर्क टाइम जो है वो मतलब वहां पे डिवोट कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग 20-30% में केमिस्ट्री, एंड बचा कुचा टाइम अगर मूड किया तो फिजिक्स को दे रहे, तो वो पहले से कॉम्पिटिशन से बाहर है, उनके बारे में सोचना ही नहीं। क्योंकि देखो बायो में हर एक को मार्क्स आने ही वाले 300+, नो इश्यू इन दैट। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप प्रिपेयर करते हो और वो हो जाता है, और बायो के जो जितने टीचर्स है वो पढ़ाते इतने अच्छे से कि उसमें मतलब कोई इश्यू किसी को होता ही नहीं है। सेम बात केमिस्ट्री की भी हो जाती है, मतलब बायो कर रहे तो केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैक्सिमम हो जाता है अगर लिंक लग गई तो। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका प्रॉब्लम ये है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर होगा नहीं, ये उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये है कि एक टॉपिक अगर अच्छे से प्रिपेयर हो गया, उस टॉपिक के टेस्ट में अगर 170, 175, 180 मार्क्स अगर आ गए तो ये लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। मतलब वोलेटाइल नहीं है, कुछ भी भूल नहीं सकते आप। अगेंस्ट बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी रीड करेंगे एकदम अच्छे से समझ में आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन उसको अगर आप 50 बार भी रीड करेंगे तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं कुछ तो मिस कर रहे, कुछ तो भूल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसलिए मैं आपको पहले से ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अभी जो टाइम आप स्टडी टाइम का शेड्यूल बना रहे हो 60% टाइम फिजिक्स के लिए दे दो, क्योंकि आपकी जब भी एग्जाम होने वाली है बिफोर एग्जाम 25 डेज, स्पेशली नीट वालों के लिए मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप फिजिक्स नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, एक लेक्चर मेरा करो उसमें मैं जितना रिक्वायर्ड रिविजन पूरी कर लूंगा। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, तब तक आपने अगर फिजिक्स 100% कल जिस तरह से मार्क्स लेके प्रिपेयर किया है उस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो, ठीक है। चलो तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसे कंडीशन देती है, दे कि कोई व्हीकल है रोड पे निकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी व्हीकल पीछे से आ रही है और उसको ओवरटेक कर रही है, तो वो कितनी देर बाद ओवरटेक करेगी, कितने डिस्टेंस बाद ओवरटेक करेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक रूल है कि इफ टू व्हीकल्स, अब व्हीकल्स की जगह पे दो बॉडीज भी हो सकती है, ठीक है ना, मतलब कभी कभी बॉय बोलेंगे, साइक्लिस्ट बोलेंगे, कार बोलेंगे, बस बोलेंगे, कुछ भी होगा वो अकॉर्डिंग टू वर्ड चेंज कर लो बस। इफ टू व्हीकल्स आर बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, व्हेन ओवरटेक्स ईच अदर, या फिर उसको अपन मीट भी बोल सकते हैं, व्हेन ओवरटेक्स और मीट ईच अदर, तब उनका क्या सेम होगा, तब उनका क्या सेम होगा बोलो, टाइम। कौन बोला ये, संस्कृति बोली क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों भी नहीं होंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है, इसलिए सेम कर सकते हो आप डिस्टेंस को भी। देन हमें क्या करना है, उनके डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करना है, एस वन मस्ट बी इक्वल टू एस टू। जैसे औरंगाबाद टू पुणे जा रहे हैं, पहली बस निकल गई उसके बाद 10 मिनट के बाद में दूसरी बस निकली और दूसरी बस क्या कर रही है, पहले बस को नगर पे अहमदनगर पे जाके ओवरटेक कर रही है, तो इन दोनों में क्या सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा या डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा दोनों का, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको दी जा रही है तो हर बार हम क्या करेंगे, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करेंगे, कब, अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो। लेकिन कभी कभी अगर आपको बोला जाता है कि इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट सेम, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट सेम एंड फर्स्ट बॉडी जो है वॉज अहेड बाय डिस्टेंस डी, अहेड मतलब आगे थी बाय डिस्टेंस डी, ऐसे बोलते हैं, बाकी पूरी कंडीशन सेम है। मतलब कि आपको बोला जाता है कि कोई बस है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है निकल गई और उसको बस को पकड़ने के लिए कोई एक पैसेंजर है, एक बॉय है, वो पीछे से भागता भागता आ रहा है, तो बस उसके डी डिस्टेंस अहेड थी। इसका मतलब क्या होगा, हमें सेम सिचुएशन देखनी पड़ेगी,
कि जो सेकंड केस में, जो सेकंड केस में मतलब जो बॉय भागते भागते बस को पकड़ने वाला है उसको क्या करना है, उसको डिस्टेंस डी पहले कवर करना है, उसके बाद में एस वन मतलब जो बस डिस्टेंस कवर करेगी उसको भी कवर करना है। तो जो पीछे होगा, जो भी पीछे होगा, बॉय होगा, बस होगा, जो भी गाड़ी, फर्स्ट बॉडी, जो कुछ भी दिया है आपको, उसको क्या करना पड़ेगा कि गिवन टाइम इंटरवल में आगे जो गाड़ी बॉडी थी उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया प्लस वो कितने डिस्टेंस से बिहाइंड था, ये दोनों की एडिशन उसको कवर करनी पड़ेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बस एडजस्टमेंट क्या करनी है, एस टू इक्वल्स टू डी प्लस एस वन करना है। समझ रहा है, मतलब वही है, एक बॉय है जिसको बस पकड़नी है, बस 20 मीटर उसके आगे थी और वो 20 मीटर भागते आ रहा था, लेकिन जब उसने भागना स्टार्ट किया तभी बस भी स्टार्ट हो गई। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बस आगे जाने वाली है और अगर इस बॉय को बस को पकड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसी टाइम इंटरवल में बस ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस ये 20 मीटर दोनों को कवर करना पड़ेगा, तभी वो बॉय जो है वो बस को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए एबल रहेगा। समझ रहे दोनों भी पॉइंट? यस सर। चलो अब इसी तरह से आपको कभी कभी बोला जाता है कि दो बॉडीज है, दो गाड़ीज है, दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट है एंड एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे नहीं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो आ रहे हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स, मतलब एक आ रहा है सेवन हिल टू बाबा पेट्रोल पंप, दूसरा जा रहा है बाबा टू सेवन हिल। तो उस केस में क्या होगा, वो मिलेंगे क्या कभी? हाँ, टाइम सेम रहेगा। हाँ, वेरी गुड। इफ टू बॉडीज टाइम, हे कळलं पाहिजे, हे कळलं म्हणजे करेक्ट आहे। इफ टू बॉडीज स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरंट पॉइंट and moving towards each other, in opposite direction, then जब वो मिलेंगे तब उनका जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। हे कळते का सगळ्यांना, यात काही कन्फ्युजन नाही कोणाला? बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हो गए सॉल्व तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा मैं, बस गिवन डेटा लिखूंगा, आप क्वेश्चन लिख लो नहीं तो सुन लो। क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या बोला है, इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब पहली बात दिमाग में क्या आएगी, यू इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इफ अ बॉय हु इज 20 मीटर बिहाइंड द बस, ये 20 मीटर क्या बन गया फिर, डी बन गया। एक बॉय है जो 20 मीटर बिहाइंड द बस है, वांट्स टू कैच द बस, देन उसको कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा सो दैट वो बस को कैच कर सकता है। या फिर आपको बोला गया है कि इफ ही इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, वो इतनी स्पीड से भाग रहा है, देन कैलकुलेट द टाइम एंड डिस्टेंस, कैलकुलेट द टाइम एंड डिस्टेंस एट विच बॉय विल कैच द बस। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, मैंने गिवन डेटा तो बोर्ड पे लिख के दिया है। क्वेश्चन ये है कि एक बस है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और उसके बाद मूव करने वाली है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस बस के 20 मीटर बिहाइंड एक बॉय है जिसको बस को पकड़ना है और बस को पकड़ने के लिए वो 36 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से भाग रहा है, तो वो कितने टाइम के बाद एंड कितने डिस्टेंस के बाद बस को पकड़ने के लिए एबल होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर सकते हो? ठीक है, जिनको लगता है कि कर सकते ट्राई करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले अभी जो स्टार मार्क मैंने लिख के दिए थे उसके अकॉर्डिंग की कंडीशन इस तरह से है कि S2 must be equal to S1 plus D. अब यहाँ पे S2 मतलब कौन है, बॉय, S1 मतलब कौन है, बस।
बस बॉय को क्या करना है, बस ने कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डी मतलब 20 मीटर दोनों को कवर करना है। अब मुझे बोलो बस एक्सेलरेटेड मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में है? एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन है विथ विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस केस में डिस्प्लेसमेंट करते हैं हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। वेरी गुड। ए दिया है 2 तो 2 2 कैंसिल होके ये मिला t स्क्वायर। सेम अगर बॉय के लिए चाहिए तो बॉय क्या कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इनटू टाइम से लिख के दिया था ये स्टार मार्क मैंने। yes, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बस स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर दी है। हर बार हम क्या करेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बनेगा 5 × 2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बॉय कवर करेगा वो मिल रहा है 10 × t। क्लियर है डेटा? ये इक्वेशंस जो मैंने बनाया है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम कल्पेश। कल्पेश ने 8 बोला लेकिन टाइम या डिस्टेंस से कुछ नहीं मालूम। संस्कृति ने अप्रोक्सीमेटली 11.8 मतलब 12 बोला। क्या है सेकंड है मीटर है कुछ तो लिखते जाओ उसके साथ में। बाकी लोग ध्यान दो ये वैल्यूज अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बॉय के लिए बनेगा स्पीड इनटू टाइम यानी 10t इज इक्वल्स टू बनेगा टी स्क्वायर प्लस 20। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया मुझे? क्या मिल गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। तो जब कभी भी आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके मतलब इस तरह से बॉय कैच कर रहा है बस को या फिर साइक्लिस्ट कैच कर रहा है कोई ओवरटेक कर रहा है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे अगर क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक की कुछ कंडीशन होती है। क्वाड्रेटिक में आता है सबसे इंपॉर्टेंट डी। डी का मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या होता है ये? क्या बोलता है ये? क्या बोलती है इसको देविका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसलिए मैंने उसको डी बोला है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख के दे रहा हूं कि अगर आपको जो डी मिल रहा है अगर वो पॉजिटिव है एंड नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? जो भी बॉय एंड बस है वो एक दूसरे के पाथ में ट्वाइस दो बार मिल सकते हैं। कैसे दो बार? बॉय भागते भागते गया बस पे लेकिन बस की पार्टी देखी और उसको समझ में आ गई कि हमारी बस ये नहीं है, मेरी बस तो आगे की है, तो ये आगे भागते भागते जाएगा। एक बार मिले थे लेकिन थोड़ी देर बाद बस के एक्सेलरेटेड मोशन है तो बस की स्पीड बढ़ती जाएगी, कुछ देर बाद बस उसको ओवरटेक कर लेगी, मतलब वो पाथ में दो बार मिलेंगे। अगर हमें जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे लेकिन एक बार मिलेंगे बस। दे विल मीट ओनली वंस। एंड अगर वहां पे डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब उनका मिलना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये होगा कि बॉय को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर मैं 36 को 72 करूंगा, फिर 108 करूंगा, ऐसे स्पीड अप करूंगा, तभी जो बॉय वो बस को कैच करने के लिए एबल रहेगा। ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है ये हमें यहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि ऑप्शन तो वही रहेंगे ना, दे विल नॉट मीट, दे विल मीट ट्वाइस, दे विल मीट आफ्टर दिस मच टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। डी अगर निगेटिव आ गया आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो मिलेंगे नहीं ऐसे बोल के छोड़ देंगे। ठीक है, अब मुझे जो क्वाड्रेटिक मिला था उसको सॉल्व करने के लिए पहले डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सबसे बेसिक रूल जे तुमचे 9-10 चे रिकाम्या मेथड्स होत्या त्या अप्लाई करायच्या नाही, यांचं मल्टिप्लिकेशन इतकं आणि त्यांचं ऍडिशन इतकं। ठीक आहे ना? उस मेथड से कभी आप क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। हर बार रूट्स फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला होगा, कौन सा? माइनस ऑफ बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ओनली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द रूट्स। अब मुझे बोलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे abc की वैल्यूज मिलने वाली है। बोलो कितना है a? 1। वेरी गुड। a इक्वल्स टू 1। b कितना है? -10। एक्सलेंट। वेरी गुड। एंड c कितना है? 20। हे जर येत असेल तर बेटा क्वेश्चन सॉल्व होणार तुमचा। ठीक आहे ना? 80% सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टंट स्टेप थी।
पहले बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट कर लेते, कितना है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, हंड्रेड माइनस एटी कितना आ रहा है, ट्वेंटी। यस सर। तो ट्वेंटी पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव। इसका मतलब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, दो बार मिलेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते, अल्फा इज इक्वल्स टू बी कितना है माइनस टेन, माइनस ऑफ माइनस टेन मतलब प्लस, प्लस और माइनस रूट में, रूट ट्वेंटी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 4.5 डिवाइड बाय ए वन है मतलब ये टू बनेगा। तो एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेंगे तो अल्फा कितना आएगा, टेन प्लस फोर फोर्टीन बाई टू मतलब 7.25 सेकंड। एंड दूसरी बार इसको निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे तो टेन माइनस फोर सिक्स, सिक्स बाई टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड। समझ गए ना कंडीशन मैंने लिखा था कि अगर डी नॉन जीरो है दो आंसर आते हैं, मतलब वो दो बार मिलेंगे। तो मैं कौन सा आंसर करेक्ट लिखूं इसमें, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में कौन सा आंसर करेक्ट बोलूं मैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, अब उसके रूट है मतलब क्वाड्रेटिक के नहीं वाला, दोनों में से हम कौन सा देंगे वो कैसे डिसाइड होगा, कि बॉय को बस पकड़नी ना, तो इतने टाइम के बाद वो बस पकड़ रहा है, मतलब पहला आंसर होगा ये कौन सा टाइम है। अगर उसकी बस नहीं होती फिर भी वो रोड पे भागता, बस उसको कितनी देर बाद ओवरटेक करती, ये टाइम है, मतलब आंसर करेक्ट कौन सा है, 3 सेकंड वाला। ठीक है कल्पेश, संस्कृति, दोघांचे आंसर रॉन्ग झाले तुमचे, बट सोडवले, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हेरी गुड। कळलं का हे? चलो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, रोड के साइड में खड़ा था, उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि रोड के बाजू पे से एक ट्रक पास हो गई, और ट्रक ने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, खुन्नस दे दी उस बाइकर को, ठीक है ना, खुन्नस दे दी मतलब ऐसे देखा होगा या फिर कुछ कीचड़ उछाला होगा, कुछ तो हुआ होगा, और वो जो ट्रक है वो मूव कर रही है विद 72 किलोमीटर पर आवर, कितने स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रक उसको पास कर रही है। फिर ये बाइकर जो है इसका ईगो हर्ट हो गया, फिर इसने क्या किया, एट द सेम टाइम बाइक को सेल्फ मारा, बाइक के ऊपर बैठ गया और बाइक स्टार्ट कर दी और ट्रक को ओवरटेक करने निकल गया। तो अगर उसने बाइक रेस्ट से स्टार्ट की थी, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, जीरो, और वो बाइक में एकदम एक्सेलरेट कर रहा था बाइक को, मतलब बाइक का एक्सेलरेशन उसने मेंटेन किया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच He will overtake the bus and distance भी calculate करना है। पहले के question में distance बाकी रह गया हमारा, एक minute, पहले के question का distance bus में calculate करके देता हूं। कौन overtake कर रहा है, boy, तो वो कितनी distance बात करेगा, हमने ऐसे लिखा था distance covered by the boy is equals to distance covered by bus plus d, तो bus का distance कितना आ रहा था, half of et square, मतलब वो सिर्फ t square था, t को हमने 3 लिया, उसका square 9 होगा, 9 plus 29, मतलब बॉय क्या करेगा, बस को ओवरटेक करेगा अप्रोक्सीमेटली 29 मीटर के बाद में। ये पहले के क्वेश्चन का आंसर था, उसको लिख दो और छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन समझ में आ गया अभी जो मैंने बोला है वो, यस और नो? सर रिपीट करो एक बार क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि ट्रक ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मोटरसाइकिलिस्ट who is standing on or aside the road, at the same time he starts his bike and accelerates with acceleration 4 meter per second square, then calculate after how much time and distance bicyclist ya fir motorcyclist will overtake the truck, us related jitna given data maine board pe likha hai, chalo ab lag jao kaam pe, jinko aata hai solve karo, jinko confusion hai board pe dekho, हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। फिजिक्स में और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एकदम बेसिक रूल है ये, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा,
ठीक है ना, जो अदर सब्जेक्ट में करते हैं वो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करके आप क्वेश्चन के ऊपर कभी भी थिंक नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि थिंक करने लग गए कि आपके जो मतलब न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट होते हैं, एंड जो न्यूरॉन्स हमारी इंफॉर्मेशन लेके बाहर आने वाले थे उनके रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड जो सोच मतलब हमें आ रहा था वो भी नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन रीड किया, रीड करते टाइम हमारे हाथ में पेन होगा और रीड करने के तुरंत बाद पेन हाथ में लो और जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखो, सोचो मत, लिखो। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये आ गया था कि ट्रक की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये बन गए 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रक इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रक कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे स्टार मार्क बोलो, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, कितना है 20, तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रक का होगा वो बनेगा 20 टाइम्स ऑफ टी, क्लियर है। आगे बाइसाइकिलिस्ट जो है या फिर मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। यस फॉर मोटरसाइकिलिस्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, ए 4 दिया है, 4/2 यानी 2, तो ये बन गया 2t का स्क्वायर। अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था या डिफरेंट था? सेम, करेक्ट है, सेम था। अगर सेम है इसका मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, यानी कि मुझे 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 20t मिल गया, 8t 210 कैंसिल, यानी टाइम इक्वल्स टू मिल गया 10 सेकंड, हो गया आंसर। अभी इक्वल टू 10 को यहाँ पे पुट करो, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर, फिनिश, हो गए क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, ठीक है, चलो। तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पे होते हैं। अभी सेम टाइप की पूरे काइनेमेटिकल इक्वेशन, सारी बातें, सारे एग्जांपल्स हम अप्लाई करते हैं जब अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या होता है, ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि सपोज प्रणव है, ए पॉइंट से निकला और उसको मिलना है सर्वेश को जो बी पॉइंट से आ रहा है। अब प्रणव जो है वो निकला है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, सर्वेश निकला है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एंड अगर दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको दिया है 100 मीटर, तो आपको बोला है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, कहां पे एंड कब वो दोनों मिलेंगे। अब कंडीशन क्या है, देखो जो स्टार मार्क मैंने लिख के दिए थे वो एज इट इज अप्लाई करने। पहले बात प्रणव की स्पीड यूनिफॉर्म है, तो प्रणव जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रणव कितना रहेगा, अरे इलेगा बाळांनो बाळांनो 100 मीटर कुठून येईल 10। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम, इतना सिंपल है। स्पीड कितनी है 10, कैसे 10, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1, ये 2, 5 × 2 मतलब 10, तो ये बन गई 10t, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट किसका, प्रणव का। अब मुझे बोलो यहाँ पे कौन है, सर्वेश है, सर्वेश का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में, यानी सर्वेश का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब मुझे इन दोनों के मीटिंग पॉइंट निकालना है, तो इनका मैं क्या इक्वेट करूं, डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेट नहीं कर सकते, वेरी गुड, टाइम इक्वेट करना है, लेकिन टाइम डायरेक्ट इक्वेट करने से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि इस मेथड में प्रणव क्या कर रहा है, एक्स इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सर्वेश कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 माइनस एक्स। ये अरेंजमेंट ध्यान में रखनी है, ये हमें बहुत जल्दी और सिंपल स्टेप में आंसर देता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू कितना है, 10t है प्रणव के लिए, एंड सर्वेश के लिए 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर है, समझ लो। हो सर, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स हियर, सो इट विल बी 100 माइनस 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस
100 इज इक्वल्स टू 0, क्या मिल गया ये? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मिला मतलब क्या करना पड़ेगा? रूट्स कैसे? माइनस बी मतलब माइनस 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 100 प्लस 4ac, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 4ac मतलब ये आएगा 400 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2, यानी माइनस 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ 500, 500 का रूट 22.5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस लूंगा तो माइनस 22 माइनस 10 कितना होगा? माइनस 32 अपॉन 2 माइनस 16, लेकिन टाइम नेवर भी निगेटिव, इसलिए मुझे प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस 22 माइनस 10 12 डिवाइड बाय 2 6.25 अप्रोक्सीमेटली वो 6 सेकंड इतने टाइम इंटरवल के बाद मिलेंगे, और जब मिलेंगे तब उनका डिस्टेंस ए के मतलब प्रणव के स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा? 10 × 6 मतलब 60 मीटर हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अब सारी बातें सेम रहेगी जब हम ग्रेविटी रिलेटेड इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस क्या चेंजेस होंगे ग्रेविटी में? मोशन अंडर ग्रेविटी इसको बोला जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ एक ही चेंज होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन डिफरेंट केस में डिफरेंट गाड़ी का डिफरेंट था, वो डिफरेंट नहीं रहेगा। हर बार ग्रेविटी का एक्सेलरेशन मतलब वो जी रहेगा। जी के एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन में हम उसको 9.8 बोलते हैं, बाकी पूरे सिलेबस में हम ये एक्सेलरेशन लेने वाले हैं 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है सबको? जब भी ग्रेविटी की बात की जाएगी तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो एक्सेलरेशन है उसको जी से यानी 10 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ठीक है? क्लियर है? कल्ला का बेटा ये पावर पॉइंट होता, ठीक है? यस सर। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रोड पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, अब वो हाइट बन जाएगी, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी एस विल बी रिप्लेस बाय एच। ये बाकी बात, ये दोनों चेंज होंगे, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। तो अगर मैं ग्रेविटी के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस फाइंड कर रहा हूं, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेंगे? देखो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी था, वो बनेगा वी इक्वल टू यू प्लस जीटी। देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, ये बनेगा 2gh। देन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, वो बनेगा h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। देन sn इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 था, ये बनेगा h इन nth सेकंड इक्वल टू u प्लस g बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। खत्म, ठीक है? तो ये बन गए काइनेमेटिकल इक्वेशंस, किसके लिए? फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन ये मोशन अंडर ग्रेविटी की दो केस होती है, एक तो हम बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं, मतलब बॉडी क्या करेगी, डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी। जब भी ये डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म होती है तो हमें वहां पे ए की वैल्यू जो है वो प्लस जी लेनी है, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देयरफॉर व्हाइल बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी हैव टू रिप्लेस ए विद प्लस जी। माइनस जी भी ले सकते हैं, किसी किसी ने रेफरेंस बुक में होते हैं, कोई टीचर माइनस लेके भी पढ़ाते हैं, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, आपको उसी के साथ स्टिक रहना है। हम हर बार डाउनलोड के लिए प्लस ही लेने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं बॉडी को अपवर्ड थ्रो करूंगा, ऊपर फेंक दूंगा, तो मुझे वहां पे ए को रिप्लेस करना है विथ प्लस जी। ए को रिप्लेस करना है विथ प्लस जी, सॉरी उल्टा होगा, माइनस जी। यानी ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, एंड h इन nth सेकंड u माइनस जी बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ठीक है? तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये अपवर्ड मोशन के लिए, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन ये डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें यूज करने हैं, एंड इसको बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है,
इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस मैं वर्कशीट में इंक्लूड कर देता हूँ, सॉल्व करने का ट्राई करो, अदरवाइज हम डाउट सेशन में उसको क्लियर कर ही लेंगे। एंड कल के लेक्चर में इस रिलेटेड के क्वेश्चन एंड जो नेक्स्ट पार्ट बचा है टॉपिक का, दैट इज ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफिकल एमसीक्यू या फिर ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन अंडर और अलोंग स्ट्रेट लाइन, दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। पूरा लेक्चर ठीक से प्रिपेयर करो।